नमस्कार, आप देख रहे हैं बागेश्वर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ लता। चले शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बागेश्वर के काफलीगैर क्षेत्र से जुड़े 1500 परिवारों को जिला बनने के 23 साल बाद जिले के आपूर्ति विभाग से राशन मिलेगा। और अब तक इन परिवारों को अल्मोड़ा के ताकुला से राशन की आपूर्ति की जाती थी, लेकिन पूर्ति विभाग की ओर से काफलीगैर में खाद्यान्न गोदाम बनवाने के बाद अब काफलीगैर के ग्रामीणों को बागेश्वर जिले के आपूर्ति विभाग की ओर से राशन मिलने लगेगा। दरअसल 15 सितंबर 1997 को जिला गठन होने के बावजूद भी बागेश्वर के काफलीगैर क्षेत्र के करीब 1500 लोगों को अल्मोड़ा जिले के ताकुला से राशन की आपूर्ति की जा रही थी, जिसके चलते उन्हें समय राशन नहीं मिलने के साथ ही कम राशन मिलने और राशन कार्ड संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा राशन विक्रेताओं को भी चालान लगाने के लिए अल्मोड़ा जाना पड़ता था। वहीं लोगों की परेशानी को देखते हुए बागेश्वर के पूर्ति विभाग ने काफलीगैर में 60 लाख रुपए की लागत से 500 मेट्रिक टन क्षमता का खाद्यान्न गोदाम का निर्माण करवाया, जिससे अब जल्द ही बागेश्वर से राशन वितरण शुरू होने की संभावना है। तो वहीं इससे इलाके के लोगों को राशन कार्ड संबंधी दिक्कतों के लिए 15 किलोमीटर दूर ताकुला जाने की परेशानी से भी निजात मिलेगी। बागेश्वर के कांडा थाना क्षेत्र के लेट गाड़ी गांव में युवक का शव घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला। बताया जा रहा है कि युवक ने शराब पीकर घर में पत्नी से विवाद भी किया था। वहीं पुलिस के अनुसार लेट गाड़ी के प्रकाश चंद्र भट्ट का शव घर के कमरे में फंदे से लटका पाया गया। और वहीं कांडा के थानाध्यक्ष प्रहलाद सिंह ने बताया कि बीते सोमवार को रात में पुलिस को प्रकाश की आत्महत्या करने की सूचना मिली थी। वहीं पुलिस को मृतक के परिजनों से युवक को फांसी के फंदे से उतारने की वीडियो भी मिली है। थानाध्यक्ष ने बताया कि प्रकाश सोमवार को दिन भर शराब के नशे में पत्नी से झगड़ता रहा, जिसके बाद उसने देर रात आत्महत्या कर ली। उन्होंने बताया कि वो इससे पहले भी इस प्रकार की हरकतें कर चुका था। वहीं आपको बता दें कि बागेश्वर जिले में जून से अब तक 28 लोग आत्महत्या कर चुके हैं, जिसमें अधिकतर मामले पारिवारिक विवाद और आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों के हैं। बागेश्वर में कपकोट के पूर्व विधायक ललित फरसेवाल ने रामगंगा नदी में झूला पुल निर्माण को लेकर अपर जिलाधिकारी बागेश्वर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुल की पूर्व में ही स्वीकृति होने पर भी अब तक पुल नहीं बन सका है। पूर्व विधायक ने मामले को लेकर असंतोष जताया और कहा कि इस पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने आसपास के गांव को सड़क की सुविधा मुहैया कराने की भी मांग की है। पूर्व विधायक ने इस दौरान संबंधित विभाग पर मनमानी करने का भी आरोप लगाया है। बागेश्वर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने वृद्धाश्रम पहुंचकर वहां पर रह रहे बुजुर्गों को मास्क सैनिटाइजर बांटे। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बीडी जोशी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से यहां पर रह रहे बुजुर्गों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और फिर भी उनके द्वारा समय समय पर वृद्धाश्रम में आकर वृद्धजनों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी ली जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने वृद्धाश्रम के अधीक्षक से वहां पर रह रहे लोगों के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को लेकर तुरंत जानकारी देने को भी कहा है। तो वहीं इस दौरान वृद्धाश्रम के संचालक हेमचंद्र तिवारी ने बताया कि वर्तमान समय में आश्रम में कुल 11 लोग रह रहे हैं, जिनमें से 5 महिलाएं और 6 पुरुष इनमें शामिल हैं, जिनकी आश्रम की ओर से देखभाल की जा रही है। मुझे जैसे पता चला कि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से वृद्धाश्रम खुला हुआ है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी एक यहाँ पे सेवा दी जाए। तो आज मुझे यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा। काफ़ी अच्छी साफ सफाई और उनके रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है, और हमने उनको जो है कुछ मास्क प्रोवाइड किए और इनके हिसाब से उनको जो है कुछ विटामिन्स मिनरल्स की टेबलेट प्रोवाइड की गई है, और इसके अलावा हमने हमारे द्वारा सैनिटाइजर दिए गए हैं। और यहाँ पे जो वर्कर हैं उनके लिए भी हमने मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की है। 11 जिसमें से 6 पुरुष और 5 महिलाएं हैं, और इनकी देखभाल के लिए हमारे पास एक पूरे कुक हैं और चिकित्सा सुविधाओं के देखने के लिए नर्स हैं, अपॉइंट हैं, और साफ सफाई के लिए स्वच्छक है। तो पूरी तरीके से समर्पित भाव से हमारे जितने भी कर्मचारी हैं वृद्धाश्रम में समाज की सेवा में लगे हुए हैं, और मुझे देख के खुशी होती है कि ऐसी कोई भी इस भयंकर कोरोना काल में को हमें किसी भी बीमारी का कोई ऐसा सामना नहीं करना पड़ा और सारे समाज से। बागेश्वर में स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय की सफाई व्यवस्था पर सवाल उठने के बाद अब विभाग हरकत में आया है। दरअसल बीते दिन कपकोट के पूर्व विधायक ने विभाग की सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद आज सीएमओ बीडी जोशी ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए कार्यालय परिसर में सफाई अभियान चलाया और विभागीय कार्यालय में बताई गई सफाई की कमियों को 24 घंटे के अंदर दूर किया। इस दौरान परिसर में फैली हुई गंदगी को हटाया गया, तो वहीं कार्यालय के आसपास उगी झाड़ियों की भी सफाई की गई है।
बागेश्वर जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद अब प्रशासन ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। इसके तहत जिले में अब आवाजाही करने के लिए स्मार्ट सिटी देहरादून के वेब पोर्टल पर पंजीकरण के साथ ही आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा 5 दिन बाहर रहने के बाद जिले में लौटने के लिए 10 दिन क्वारंटीन रहना भी जरूरी हो गया है। साथ ही साथ जिले में आने से 96 घंटे पहले कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर भी क्वारंटीन ना किया जाने को लेकर नियम बनाए गए हैं। वहीं सभी नियमों के बारे में जानकारी देते हुए एडीएम हेमंत कुमार वर्मा ने जिला मुख्यालय में अधिकारियों की बैठक में जिले की सीमाओं पर चौकसी बरतने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसके लिए अब प्रशासनिक तौर पर और अधिक सतर्कता बरती जाए। साथ ही साथ उन्होंने जिले में बनाए गए स्टेजिंग एरिया पर भी आने जाने वाले लोगों को लेकर कड़ी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। साथ ही साथ उन्होंने सीएमओ बीडी जोशी को भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी तरीके से तैयारी रखने को कहा गया है। और इसी के साथ बागेश्वर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।